दोस्तों एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म सन 1992 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतारामपुरम में एक किसान के घर में हुआ था, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। दोस्तों जब आम लोगों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उनके यहाँ खुशी का माहौल होता है, लेकिन उनके यहाँ गम का माहौल था, क्योंकि वह बच्चा नेत्रहीन पैदा हुआ था। उनके नेत्रहीन पैदा होने की वजह से गाँव वालों ने उनके माता पिता को यह तक कहा कि उसे किसी अनाथालय में छोड़ाए, यह बच्चा किसी काम का नहीं तो यह बाद में चलकर आपका सहारा बनने की जगह आप पर ही बोझ बन जाएगा। लेकिन बच्चा कैसा भी हो, किसी के माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे। और जब वह थोड़ी बड़े हुए तो उन्हें पास के एक सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। वहाँ भी उनके साथ भेदभाव होता था। अंधे होने की वजह से उन्हें हमेशा क्लास के अंतिम बेंच पर बिठाया जाता था। कुछ साल बाद उनके माता पिता ने उनका एडमिशन शहर में नेत्रहीन बच्चों के एक विशेष स्कूल में करवा दिया। वहाँ पर वह बच्चा अपनी लगन और कड़ी मेहनत से अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरी स्कूल का टॉपर बना और उसने 10th में आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से 90% अंक प्राप्त किए। बाकी की स्टोरी सुनने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।